आप लोग क्लीनिंगनेस के लिए क्या करते हैं अपने घर में, स्कूल में, क्या करते हैं? अगर हम किसी को देखते हैं कि वो जो कचरा है वो झाड़ के फेंक रहे हैं, तो हम उन्हें डायरेक्टली जा बोलते हैं कि डस्टबिन में डालें। अगर वो हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम खुद रख देते हैं डस्टबिन में, तो उन्हें अपने ऊपर शेम फील होता है कि हमसे छोटा। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस पे। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूँ जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। इस समय मौजूद है मालवनी गेट नंबर 6 होली मदर हाई स्कूल, जहां पर साइंस फेयर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम को आयोजित किया है प्रिंसिपल रफीक सिद्दीकी सर ने और यहां पर गेस्ट आए। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए और आप यहां पर विजिट किया, आपने जज किया, कैसा लगा? मेरा नाम विशाल नायक है, मैं मेटा सोशल से पुणे से हम सब यहाँ पर आए हैं। पहले तो बहुत अच्छा लगा बच्चों को वापस स्कूल में देखना, एंड सेकंड उससे इतना एक्साइटिंग कि इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, एंड आई थिंक बहुत मेहनत की है सब बच्चों ने। मतलब हम तो अभी बता रहे थे रफीक सर को कि ये तो इतना, हम जब स्कूल में थे तो इतना हम सोच भी नहीं सकते थे जितना चंद्रयान से लेके कोविड तक जो ये किए हैं, बहुत अच्छा है। एंड आई थिंक रफीक जी एंड जो टीचर्स की जो मेहनत लगी है पीछे भी, वो भी बहुत अच्छे से दिख रही है। एंड लाइक कुडोस टू ऑल द किड्स, बहुत अच्छा है। जैसे विशाल सर ने बताया कि चंद्रयान से कोविड तक हमने प्रोजेक्ट देखा और बच्चे लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। हमारे साथ जज है संजय सर, आइए हम उनसे बात करते हैं। संजय सर, आपका स्वागत है। आपने सब बच्चों का प्रोजेक्ट्स देखा, आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? मैं संजय डालमिया। तो पहली बात तो मैं रफीक जी का बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, ये बहुत ही शानदार आइडिया है स्कूल को फिर से शुरू करने का। तो पूरी एनर्जी के साथ बच्चों का इतना अच्छा पार्टिसिपेशन और बहुत ही खुश दिख रहे हैं बच्चे सब यहाँ पे और स्कूल का स्टाफ, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका स्कूल स्टार्ट करने का। प्रोजेक्ट बहुत ही लाजवाब है, इतने ऐसे एरिया में बच्चे जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं एकदम फाइव स्टार प्रोजेक्ट्स हैं। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है बच्चों का, तो देख के बहुत अच्छा लगा। तो सर, अभी जैसे अभी एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि जैसे ओमिक्रॉन का केस बढ़ रहा है तो फिर से स्कूल बंद हो सकती है, तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है स्टूडेंट का? बहुत बड़ा लॉस है देखिए, क्योंकि ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये टीचर्स के बिना एकदम इनकम्प्लीट है। तो हम टेक्नोलॉजी से जो भी कर लें, टीचर का होना, बच्चों का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स ही हैं जो बच्चों को इंस्पायर कर पाते हैं, टीचर्स ही हैं जो बच्चों को समझ पाते हैं कि कैसे उनको सपोर्ट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चों का और पूरी सोसाइटी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसमें आपको कितना डिफरेंस लगता है ऑनलाइन जो क्लासेस होती है, अगर ऑनलाइन होती है तो जो ऑफलाइन होती है, इसमें क्या डिफरेंस लगता है आपको, कितना एजुकेशन कम हो जाता है बच्चों का? देखिए, ये तो बहुत डॉक्यूमेंटेड है अब लर्निंग लॉस के बारे में, और मेरे ख्याल से कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब मैं 10% बोलूँ, 20% बोलूँ, 50% बोलूँ, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जो ऑनलाइन करते हैं, हो सकता है बच्चों को आपने ABCD सिखा दिया या कुछ पोएम सिखा दी या मैथ्स में कुछ सिखा दिया, लेकिन आपने बच्चों को मोटिवेट कैसे किया, आपने बच्चों को प्रेरित कैसे किया, बच्चों को नई नई चीज़ों का उत्साह कैसे किया? तो ये जो स्कूलों में हम इस तरीके के साइंस फेयर रखते हैं, बच्चे टीचर्स बच्चों से प्रोजेक्ट कराते हैं, टीचर्स बच्चों को बोलते हैं कि अच्छा कर रहे हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, ये ऑनलाइन पे नहीं हो सकता। तो इसका जो लॉस है वो मतलब हम आंक भी नहीं कर सकते कि उसका कितना नुकसान है, वो मतलब ऑनलाइन कंपेरेबल नहीं है। तो ये क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं, स्कूल बहुत ज़रूरी है हमारी शिक्षा के लिए। बहुत सही कहा आपने, जो ऑनलाइन क्लासेस है कहीं ना कहीं उसमें ऑफलाइन की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो ऑफलाइन होगा तो एक इंटरेक्शन होगा टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में। ये जो यहाँ पर साइंस फेयर कार्यक्रम रखा गया है, ये प्रोजेक्ट 23 दिसंबर और कल भी रहेगा 24 दिसंबर तक, 2 दिन का कार्यक्रम है। हमारे साथ रफीक सर है, प्रिंसिपल होली मदर हाई स्कूल के, आइए हम उनसे बात करते हैं। रफीक सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो विज्ञान मेला लगा उसके बारे में? जिशान भाई, पहले तो आप सुबह से आए हैं टाइम निकाल कर, गेस्ट से पहले आप आ गए थे, बहुत बहुत शुक्रिया खबर फेस टू फेस का। हमारे सारे स्कूल के इवेंट को आप कवर करते हैं बड़ी जिम्मेदारी से, और जो हमारे गेस्ट आए हैं ये पूना से आए हैं,
और IIM अहमदाबाद 92 बैच के लोग हैं, अचीवर्स हैं अपनी अपनी जगह पे। और इस तरह के लोग, इतने शार्प माइंडेड, ब्राइट माइंडेड लोग हैं, और ये आके जब हमारे बच्चों के प्रोजेक्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं, तो तारीफ जो है, जो जेन्युइन अप्रिसिएशन है, उसको क्या लेवल पे बच्चे के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई मेजर नहीं कर सकता है उसको। और जब हमारे बच्चों को हम ये बता रहे थे कि भाई आपके प्रोग्राम को, आपके प्रोजेक्ट को जज करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए इतनी दूर से लोग आ रहे हैं, दे कुडन बिलीव देयर इयर्स एंड दे आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी, हम सारे बहुत खुश हैं। और हमारे सारे के सारे जो गेस्ट आए हुए हैं, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जो बच्चों ने मेहनत किया, जो टीचर ने मेहनत किया है, हेडमास्टर का तो बहुत ऊपर ऊपर का रोल होता है, जो एक्चुअल मेहनत है हमारी टीचरों की है। और जो प्रोजेक्ट में आपने भी कवर किया होगा, आपने भी देखा होगा कि चंद्रयान से लेकर, कोरोना से लेकर, पोल्यूशन से लेकर, आइडियल सिटी कैसा होना चाहिए, तो इन बच्चों का जो जहन है वो एक खूबसूरत देश की तरफ इशारा करता है। और जब तक बच्चों के दिलों में हम उम्मीद जगा के रख सकते हैं, और बच्चों के लिए जो दुनिया हम छोड़ के जाने वाले हैं वो उनके मुताबिक अगर वो खूबसूरत, प्यारी प्यारी, लाजवाब, तो हमने अपना काम ज़रूर कर दिया है। और इसके लिए मैं सभी समाज का, जितने लोग जुड़े हैं प्रोग्राम में, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रफीक सर। रफीक सर ने ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर जो जज जिन्होंने मतलब सिलेक्ट किया है, उसके लिए इनाम भी रखा गया है। जो फर्स्ट प्राइज आएगा उसको 2000 रुपये मिलेगा, जो सेकंड आएगा उसको कुछ 1500 है, और थर्ड को 1000 रुपीज़ है। और भी हमारे साथ जज है, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए और क्या कहना चाहेंगे आप जो साइंस फेयर है। या थैंक यू। मेरा नाम है सांबा शिवन। मैं बहुत खुश हूँ कि आज इधर आ चुका हूँ, क्योंकि ये बच्चों ने आज जो प्रदर्शन किया, बहुत लाजवाब प्रदर्शन था। उनके प्रेजेंटेशन की शैली भी बहुत अच्छी थी, और साइंस के बारे में बहुत कुछ मुझे भी सीखना मिला। सो इसके लिए मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मिस्टर रिजवान के लिए और मिस्टर संजय जी के लिए। संजय जी मेरा बैचमेट हैं, उन्हें वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। थैंक यू। सभी प्रोजेक्ट अच्छे थे, आपको सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा लगा? सबसे अच्छा बहुत मुश्किल है चुनना, बट इफ़ यू आस्क मी, आई लाइक्ड वो लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, बिकॉज मेरे वो इंटरेस्ट ज़्यादा है उसके बारे में, तो इसके लिए मेरे को अच्छा लगा लाइफ साइकिल। हाँ, उसके बारे में उन्होंने क्या बताया कि कैसे हम पहले हजारों यार मिलियन बिलियन साल पहले कैसा हमारे हिस्ट्री कैसे शुरू हुआ, कैसे सन चालू हुआ, सन के बाद कैसे सुपरनोवा चालू हुआ, उसके बाद कैसे वो नेबुला बनाया, उसके बाद वो कैसे वो ब्लैक होल बना, वो पूरा लाइफ साइकिल के बारे में बता रहे थे। वो बहुत अच्छा था, मेरे को बहुत अच्छा था, लाइफ साइकिल के बारे में बता रहे थे। और भी हमारे साथ एक जज है, आइए हम बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए और जो साइंस फेयर लगा उसके बारे में आप दो शब्द। देखिए, मेरा नाम कैप्टन अनिल धनखड़ है, और इस साइंस फेयर के बारे में क्या कहें, यू नो, रफीक सर ने जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, और इस इवेंट के अंदर स्टूडेंट्स ने जो कॉन्सेप्ट चुने हैं, आई थिंक वो आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सोलर एनर्जी हो। उन्होंने कोरोना, जो इस वक्त की सबसे बड़ी यू नो महामारी है, पोल्यूशन है, वहाँ से लेकर के यू नो स्टार्स और चंद्रयान के बारे में। सो आई थिंक जो सब्जेक्ट चूज़ किए हैं साइंस के अंदर, बहुत किए जा सकते थे, बट जितने रेलेवेंट हैं आज के ज़माने में, और जो आज भी प्रॉब्लम है और कल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, और जिनके लिए इन बच्चों को सोल्यूशन ढूँढने पड़ेंगे, आई थिंक उसके हिसाब से आई वुड से रफीक सर एंड यू नो चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल हैव लर्न समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू दिस पर्टिकुलर साइंस फेयर। एंड मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सही कहा, जितने रिलेवेंट प्रोजेक्ट आपने देखे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर ये इम्प्लीमेंट होना भी चाहिए, अगर सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जो जैसे पॉल्यूशन का बताया आपने, कोविड का बताया, और तो इसको सही से इम्प्लीमेंट किस तरह से होना चाहिए इसके बारे में, जैसे स्टूडेंट लोग तो करके छोड़ देते हैं, लेकिन आगे चल के स्टूडेंट को भी मतलब किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, और भी समाज के जो सोसाइटी के लोग हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए ताकि एक अच्छा सिस्टम बने हमारे। नहीं, मेरे हिसाब से कई बार हम दूसरों की तरफ देखते रहते हैं, मेरी गवर्नमेंट कुछ करेगी, हमारे यू नो सोसाइटी कुछ करेगी, दूसरे लोग। आई थिंक सबसे अच्छा तरीका इन सब चीज़ों को हल करने का, सबसे पहला है, आई थिंक शुरुआत खुद से होनी चाहिए।
अगर मैं पोल्यूशन कम करूं, मैं अगर वाटर यू नो हार्वेस्टिंग करूंगा, मैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या कोई भी पोल्यूशन कम करता हूं, सो आज अगर कोरोना है इस डिज़ीज़ में, गवर्नमेंट कितना भी वैक्सीनेशन दूसरी चीज़ें करा ले, लेकिन मैं अगर अपना प्रिकॉशन नहीं करूंगा, सो आई थिंक शुरुआत इसकी जो आपने सवाल पूछा है वो हमसे होती है, और उसी से जो लार्जेस्ट इम्पैक्ट है वो आ सकता है जब करोड़ों लोग लगते हैं। और हमने कई सारी चीज़ों में देखा है, चाहे वो महात्मा गांधी यू नो लोगों को लेकर के साथ चले, आज मोदी जी की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने स्वच्छता अभियान वगैरह जो चालू किया है, जब लोग तो एक फ़र्क दिखता है। तो जो सरकारें नहीं कर सकती, यू नो कंपनियां नहीं कर सकती, जब हर आदमी अपने आप एक बीड़ा उठा लेता है, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने का हो कोई और हो, तो आई थिंक ये शुरुआत हम सबको करना पड़ेगा, आई थिंक कोई दूसरा नहीं कर सकता हमारे। बहुत शुक्रिया। साइंस फेयर का कार्यक्रम प्रोग्राम आयोजित किया गया है और इसको आयोजित किया है प्रिंसिपल रफीक सिद्दीकी सर ने, तो यहाँ पर बच्चों में काफ़ी उत्साह है और जो बच्चों में जो टैलेंट है उनको कहीं ना कहीं बाहर निकालने का काम किया है रफीक सर ने, तो यहाँ के जो बच्चों ने जो ये प्रेजेंट किया है, तो आइए हम उस बच्चों से बात करते हैं, ये किस तरह का यहाँ पे प्रोजेक्ट उन्होंने किया हुआ है। आपका नाम बताइए और जो आपकी टीम ने जो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे किया है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। माय नेम इज़ महक एंड वी हैव मेड दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल एंड बेसिकली वी हैव मेक दिस बिकॉज इन फ्यूचर इफ़ वी हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ वाटर देन वी कैन सेव वाटर फ्रॉम वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब हम लोग अगर फ्यूचर में कोई भी हम लोग को दिक्कत होती है पानी की, तो हम लोग ऐसा ये हम लोग टैंक वैंक बना के हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके वी कैन सेव वाटर फॉर फ्यूचर। ये क्या आपने जो बनाया, जो रेन का जो वाटर आता है उसको कलेक्ट किया जाता है यहाँ पर? हाँ, so कलेक्शन टैंक। अच्छा, और कोई बोलने वाला, आप कुछ बोलेंगे इनके बारे में? बेसिकली वी हैव मेड दिस प्रोजेक्ट बिकॉज इन मालवनी देर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर शॉर्टेज और यहाँ पे जल्दी बारिश भी नहीं होता, और जब बारिश होता है तो अच्छी खासी बारिश होती है, तो हम लोग हमारे छत पर अगर टैंक वैंक है तो हम लोग उसमें वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, फिर हम लोग हमारा वाटर हम लोग को वाटर फिल्टराइजेशन में भी ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपके पास पेबल स्टोन है तो वो या तो वो क्या पोटेशियम, उससे हम लोग हमारा वाटर फिल्टराइजेशन कर सकते हैं, फिर जब वो फिल्टराइज होता है तो वो हम लोग जैसे इधर फिल्टराइज होएगा और यहाँ वो दूसरे कैन में चला जाएगा, तो हम लोग दूसरे कैन से उसे हमारे दूसरे काम में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग को कुछ काम में पानी की दिक्कत हो रही है तो हम लोग उसमें वो यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग ने ये मॉडल बनाया। वेरी गुड। आपका नाम बताओ और आपकी टीम के लोगों का नाम बताओ। मेरा नाम शेख अशकीज़ा है, ये हमारे मेंबर है तंजिल, ये वाइस कैप्टन शेख अरबाज, कृष्णा मेंबर, महफूज कैप्टन, महक मेंबर, फिजा एंड सिद्दीकी साहब। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, एक यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सोलार एनर्जी, सोलार पावर बैंक, तो यहाँ पर जो बच्चों ने बनाया है, आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम और आप कौन से स्टैंडर्ड में, और आपने क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट रखा है उसके बारे में बताइए। तो मेरा नाम सुजैन अंसारी है, यह मेरी टीम है, हम लोग 5 लोग हैं। हम लोग ने सोलार पावर बैंक बनाया, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और आप नेचुरल सोर्स से मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो आइडिया आपको कैसे आया, कहाँ से मिला है? सर, ये हम लोग को जो 10th स्टैंडर्ड में सर, हम लोग का एक चैप्टर है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, इसके अंदर सर सोलार पावर बैंक का यूज़ हुआ है, सोलार का यूज़ हुआ है, तो हम लोग ने सोचा सर सोलार पावर बैंक बना दें। तो इससे अगर कहीं आप मतलब पहाड़ी इलाके में हो तो वहाँ पर अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है तो इसके ज़रिए आप कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं सर। ये पूरा मतलब पावर इसमें मतलब जो भी एनर्जी स्टोर होएगा? यस सर, कर सकते हैं। आपका नाम बताएं। शेख उमर अब्दुल गफ्फार। कौन से स्टैंडर्ड? 10th स्टैंडर्ड। आपका नाम? राहुल चौहान। राहुल चौहान। शेख शादिक। शेख शादिक। साहिल खान। साहिल खान। कुछ कहना चाहेंगे आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये हम लोग आइडिया एग्जैक्टली तो सोलर पैनल की वजह से आया था, मिस हम लोग समझा रहे थे, उसी के जरिए हम लोग का आइडिया आया, उसी जरिए आपको कहीं पे भी आप जहाँ पे धूप रहेगी सन रेज वहाँ पे ऑटोमेटिकली चार्ज करेगा आपका मोबाइल। ये जो बच्चों को जो टीचर्स ने जो पढ़ाया है तो उसको उन्होंने ये आइडिया को डेवलप किया है और यहाँ पर उन्होंने एक जो सोलार पावर बैंक बनाया है जिसके ज़रिए से जो एनर्जी जो स्टोर होती है उससे मोबाइल भी रिचार्ज किया जा सकता है और भी कोई दूसरी चीज़ में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है।
यहाँ पर कुछ बच्चों ने चंद्रयान 2 का प्रोजेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए और आपने जो प्रोजेक्ट किया उसके बारे में। माय नेम इज सैफ अल सिफानाज, हम लोग की टीम है 6 और हम लोग चंद्रयान 2 के इंफॉर्मेशन के बारे में बताने वाले। आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्या प्रोजेक्ट है? ये चंद्रयान 2 है, ये हम लोग ने पहले ये स्पेस सेंटर बताया, ये जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है ये श्री हरिकोटा में है और यहीं से ये चंद्रयान 2 था ना वहाँ से लॉन्च हुआ है, तो इसकी जैसे मून पे जाके उसके बारे में कितना परसेंट वाटर है वहाँ पे, क्या चीज़ है, कौन से केमिकल्स कौन से मिनरल्स है, उसको फाइंड करने के लिए इसको भेजा गया था। बट इसका जो लैंडर है उससे हम लोग को तब मून से 2.1 किलोमीटर दूर था तो उससे कनेक्शन टूट गया था, बट जो ऑर्बिटर है वो अभी तक वहाँ पे मून के ऑर्बिट में लूनार ऑर्बिट में घूम रहा है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड कर रहा है, टोटल इंफॉर्मेशन निकालने का काम कर रहा है वहाँ पर। आप कौन से स्टैंडर्ड से आप लोग? 7 से। आपका नाम? अमित गुप्ता। शेख अलशिफा। गुप्ता मुस्कान। जूहू सिंह। गुप्ता कन्हैया। सतीश। थैंक यू। स्टार्ट। दर्शकों यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है लैंड पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन, पोल्यूशन के ऊपर यहाँ पर छात्रों ने मतलब यहाँ जो प्रोजेक्ट बनाया है पोल्यूशन के ऊपर है, तो ये यहाँ के जो छात्र हैं उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम बताएं और जो ये प्रोजेक्ट आपने बनाया है इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। गुड मॉर्निंग सर, हम लोग ने ये प्रोजेक्ट इस वजह से बनाया है, हमारे प्रोजेक्ट का पहले तो नाम है लॉ पोल्यूशन। लॉ पोल्यूशन यानी एल लैंड, ए एयर और डब्लू वाटर। लॉ पोल्यूशन हम लोग ने इस वजह से लिया ताकि दिल्ली में यमुना नदी में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है अभी रिसेंटली, और अभी बहुत ज़्यादा है, अभी दिल्ली में थोड़ा कम हुआ है, तो इस वजह से हम लोग ना पब्लिक को पोल्यूशन के बारे में बताना चाहते तो हम लोग ने ये प्रोजेक्ट बनाया। तो ये पोल्यूशन जो है वाटर पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन इसको किस तरह से कम किया जाएगा? सर हम लोग वाटर पोल्यूशन हम लोग कम कर सकते हैं कि हम लोग वाटर में जो है ना कचरा ना फेंके, हम लोग कचरा जो है वो डस्टबिन में फेंके और फिर वाटर्स में ना सब जाके नहाते हैं और उसी मतलब नहाना नहीं वाटर में जाके जो भी गंदी चीज़ है वो सब फेंक देते, तो हम लोग को बस यही ट्राई करना है कि उसमें ना फेंके, वो हम लोग कचरे के डब्बे में फेंकेंगे तो वो ठीक हो सकता है। अच्छा, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है इसमें क्या क्या बनाया आप बताएंगे? सर हम लोग ने ये एयर पोल्यूशन के लिए हम लोग ने ये फैक्ट्रीज बनाया है। अच्छा। और इससे हम लोग ने धुआं निकालने के लिए ये बनाया था। अच्छा, जो ये धुआं है जो फैक्ट्री का है ऊपर हाँ, जाएगा। हाँ, यस सर। और बाकी और क्या बनाया आपने? और सर हम लोग ने ये वाटर्स के लिए ये बनाया था। हाँ। और इसमें फैक्ट्रीज के केमिकल्स के वेस्ट है जो कि गंदा पानी है केमिकल्स के। ये गंदा पानी कैसे कलेक्ट होता है यहाँ पे? यहाँ पे ऐसे कलेक्ट होता है कि फैक्ट्रीज के जो भी पानी वेस्ट है पानी के वेस्ट होते हैं वो पाइप के जरिए उसमें डाला जाता है और इससे जो है ना वो नदी में छोड़ दिया जाता है, तो इससे तो फिर नदी में भी फिर प्रदूषण हो जाएगा। हाँ, तो वही नदी में पोल्यूशन हो जाएगा। तो किस तरह से रोका जाएगा? उससे हम लोग ऐसे करके रोक सकते हैं कि जो पोल्यूशन एयर वाटर जो है ना उसे हम लोग प्योरीफाई करके छोड़ सकते हैं। पहले हम लोग इंडस्ट्रीज को करना चाहिए कि वाटर जो है उसे पहले प्योरीफाई करें, जो लोग वाटर छोड़ रहे हैं उसे प्योरीफाई करके उसे दूसरी जगह पे छोड़े। अच्छा, जैसे आपने आपके कहने का मतलब है जो फैक्ट्री है उसका जो धुआं या वेस्ट निकलता है वो आप यहाँ पर मतलब कलेक्ट करते हैं उसको प्योरीफाई करके यहाँ से छोड़ते हैं। अच्छा, आपका आपकी टीम के बारे में बताएं, आपका नाम बताएं, कौन सी क्लास है? सर मैं 9th सेनेट से हूँ और मेरा नाम है मुल्ला तुबा, मैं इस ग्रुप की लीडर हूँ और ये सब मेरे मेम्बर्स है। आपका नाम?
आयान शेख, मेरा नाम 9th स्टैंडर्ड से हूँ मैं। परमार किरण, 9th स्टैंडर्ड। आपका नाम? हेलो सर, माय नेम इज अमान मिर्जा एंड माय 9th स्टैंडर्ड। माय नेम इज सिद्दीकी रुकैया एंड आई एम फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। माय नेम इज उलंदुला श्रुति, आई एम फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। Thank you very much. All of you for this very, very warm welcome, and a special thanks to Rajiv Bhai for inviting us for this function here. It's a real pleasure. Before I say anything more, I'd like to introduce my friends from college, Samba Sivam, who is now the CFO of Tata Sky and a very, very well-known company and does many things across India. And Babu. Babu is also a tech entrepreneur and a finance engineer, and they are very kind souls. They have been helping our foundation and also helped Holy Mother School Foundation. So thank you, Rafiq ji, and thank you all for joining in this program, and thank you, Rosie, for introducing us. Such a fantastic event. I'm very, very excited to come to Holy Mother. I think what Rafiq sir is doing is amazing. There are very few people who give up everything to do something for the society, and especially education. I think that's something which will drive the nation, not just this school. This thing. I see 1,000 stars here who will actually try to reach the moon, and as Elon Musk says, the Mars. So I'm very excited very, very excited looking at the space station, the volcano, the pollution, this thing. This is amazing to see. So I'll keep it very short. I'll just tell you two stories and one suggestion from my little small journey that I've had compared to all our other guests here, what we've had. So I'll just tell you in two stories what I've gone through and what I saw on the walls here today. And probably tell you how important it is what Rafiq sir is doing here through that. So first, very, very small stories. So the first one is about me itself. So I come from a very amazing state called as Goa. So everybody loves to go to Goa vacation, everything, everybody. So every time I'm coming, people think I'm coming from a vacation, so I'm just going home. So that's one place I don't have to find place in December. Or क्या होता है कि हर टाइम लोग पूछते हैं कि गोवा में क्या है, इट्स अमेजिंग. बट गोवा वॉज ऑल्सो वंस अपॉन अ टाइम वेरी स्मॉल, नॉट सो कमर्शियल. ये एंड मैं एक बहुत से छोटे से विलेज से आता हूँ गोवा में, जहाँ आई स्टार्टेड माई एजुकेशन. आई केम फ्रॉम अगेन अ गवर्नमेंट स्कूल. ओके, सो देयर वर नो दिस थिंग्स. वी यूज्ड टू वॉक टू द स्कूल. अभी तो इंटरव्यूज देने पड़ते हैं स्कूल बच्चों को एंड अदर दिस थिंग. बट And in my full listing, I think it's thanks to the teachers in the school, and there were few teachers who really took interest in showing drama to explain English, showing fairs like this, which used to go, and tabhi abhi aise school mein nahi hote the hamare, kai bahut dur jana padta tha, so they used to put us in a bus and go organize karne ke paise nahi rehte the. Supposed to speak in the end, but I felt ki once we move around, then people move here at Venice. Many people will not be just getting that long. So sorry, Rosie, for breaking the protocol that we have. A very good morning. Namaskar, assalamu alaikum. Sat Sri Akal, vanakkam. So that kind of society we have here. And I feel ki it's an absolute honor. It's an unhindered pleasure to be running this particular school for my children and for the community over here. But as Vishal ji just told you, you don't move the mountain by one stroke. You go bit by bit, brick by brick, you make walls, then rooms and everything. So Malwani itself has that culture of giving, which unfortunately does not get noticed, it does not get acknowledged, it does not get mentioned. The problem with that is sometimes people, government are very keen to, you know, brand a particular area as maybe black area, blacklisted area, this area, that area. But I'm speaking from the heart to you, I am born and brought up in Malwani, and every time, like, Islam doesn't believe in rebirth and all, but if there was a concept of rebirth, every time I would want to be born in Malwani, every time I would want to be a school teacher, every time I would want to work in this school. The
the kind of support that I have received as an individual, right from my family, to my neighbors, to my friends. So it's a huge, big, long journey. And I'll use English. Some of the parents who are here, that just to prove that I can speak good English, I started in English only. But I'll tell you, Vishalji, Hindi or English, when money talks, nobody looks at grammar. So if you are making a lot of money, then you are allowed to use full stop where commas are allowed and all that stuff. So you're doing really very good for yourself. So come out of that. It's very fine. Many people, you know, feel that, you know, English is knowledge. But I come to disagree with that. English is a language. And we are proud Indians. We are the, I think, first largest English-speaking population, I think, in the world, other than the English country. So we have taken this language very well. Some small things I would want to definitely mention here, ki being in an underprivileged family and being born physically challenged, so life was never given to be beautiful to you. It was never meant to be easy. These two things make it even more difficult. But when you have good, kind people around, then life becomes beautiful. You have to have that belief in life. Few people are sitting here, I will want to mention their contribution in my life. If I don't mention, I'll be doing grave injustice for the things that I was able to do. It's always because I'm the face of the organization, I get all the accolades. But I feel ki whatever happens in the school, good or bad, I'm only 20% responsible for that. 80% of the time, 80% of the work, it's other people who are doing. It's the society, it's my teaching staff, it's the community, my friends, my family, everybody. So I think for them, I think they deserve a big round of applause from my end. 80% of that happens because of that. So when I got first rank in my school, which was the first batch, and we did not have any tutorial, the support, no digest, no guides. I'm talking about 1983 batch. So I was a topper in my school and I had mugged up everything. Every single thing I had mucked up, and that was how we used to learn, and unfortunately we are still learning that way only, rigorous form of learning. And Sanjay ji says ki we are going to remove that rigorous form of learning, we are going to bring in relevant form of learning. Education should be relevant also in that case. So when I topped that particular batch of ours, and everybody is talking about batch here, so I am also getting nostalgic about it. तो जब 1983 में मैंने बैच स्टॉप किया तो मेरे फादर और मदर जो थे वो मतलब गांव गए हुए थे किसी काम से. तो मेरा वो बहुत बड़ा दिन था मेरी लाइफ का कि पूरा स्कूल को टॉप करना बगैर सपोर्ट के. तो वो सेलिब्रेट करने के लिए फादर मदर घर पे नहीं थे हमारे, तो उधर एक बीच में बैठे हुए हमारे दो मुख्तार भाई हैं, हमारी बहन के देवर लगते हैं लेकिन हम उनको भाई मानते हैं. थोड़ा मुख्तार भाई अगर आप हाथ ऊपर कर दोगे या खड़े हो जाओगे. तो मेरी वो छोटी सी कामयाबी मैं सब बैठ गया मुख्तार भाई. तो पूरा वाइट वाला रसगुल्ले का डब्बा ले आए थे मेरे लिए, वो बिरयानी की पार्टी रखी थी उन्होंने अपने घर पे, और अपने हाथ की घड़ी निकाल के उन्होंने मुझे दे दिया था. वो मेरी लाइफ का पहला अचीवमेंट, पहला बिग थिंग था वो कम्प्लीटली. और वो उससे पहले मैंने घड़ी नहीं पहनी थी कभी भी, राइट. अभी आप सोचिए कि कोई हैंडीकैप बंदा है स्कूल को टॉप करता है सेलिब्रेट करने के लिए, अगर घर वाले लोग नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और कोई दूर का मतलब मुंह बोला भाई समझ लीजिए, मतलब डायरेक्ट कोई रिलेशन ब्लड रिलेशन नहीं है, वो आपके वो ओकेजन को अगर सेलिब्रेट करता है तो उसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप भूल जाए. तो व्हेन आई एम स्पीकिंग दैट मेरे बदन पे आज भी रुआ खड़ा होता है. वो घड़ी मुझे आज भी याद आती है, रिकोफाई घड़ी थी, बड़ी वजनदार घड़ी. शायद हमारी भाभी नाराज हो गए होंगे कितनी अच्छी घड़ी क्यों दे दिया तुमने उठा के, और उन्होंने बिरयानी भी दिया मुझे और रसगुल्ला का डब्बा भी बोल दिया लेके जाओ घर पे उसको. मतलब तो मुझे लगा कि कई बार हम अपने सेलिब्रेशंस को दूसरों के लिए अगर आप सेलिब्रेट करते हैं, दूसरों के लिए अगर आप खुश होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है. वो मुख्तार भाई से मैंने सीखा है. उनके बिल्कुल बराबर में सिराज भाई बैठे हैं. तो फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए मैं आपको एक पर्सन एग्जांपल से बता रहा हूँ कि जो मोबिलिटी है, मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो है, वो सबसे डिफिकल्ट होता है. अगर उसको कोई ईजी करा दे आपके लिए, देन द एंटायर वर्ल्ड आपके लिए मूव करना शुरू कर देता है. कायनात, यूनिवर्स सब आपके लिए काम करना शुरू कर देती है. तो ऐसा मुझे लगने लगा कि भाई ट्यूशन में लेना शुरू कर दूं. टीचर बाय चांस था मैं भी, कोई यार जॉब नहीं लग रहा तो टीचर बना दिया मेरे दोस्त ने मुझे. वो आई नहीं अनफॉर्चुनेटली, अजीज भाई जो मुझे ड्रैग करके टीचर बना के लेके आए. तो पीछे सिराज भाई बैठे हैं, अगर वो भी खड़े हो जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा. ये मेरे पास रात को ट्यूशन पढ़ने आते थे, 10 से 11 बजे का टाइम उन्होंने लिया था कि मैं टेलर हूँ, मुझे लिखने लिखने का जरा बड़ा शौक है, तो मैं एक घंटा आपको आऊँगा. उस टाइम पर उनसे ज़्यादा फीस को मुझे देता भी नहीं था, मतलब 10 स्टैंडर्ड के बच्चे मुझे पर मंथ 200 रुपीज़ देते थे और वो 300 रुपीज़ देते थे, और एड टू इट वो कपड़े भी खुद खरीदते थे और मतलब सिला के भी देते थे फ्री में, मतलब मुझे.
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या फर्क पड़ता है इंसान की जिंदगी में काइंडनेस का। तो उन्होंने अपने अकाउंट से मेरे लिए काइनेटिक एक्टिवा लेके दिया, मतलब मुझे साइड कार लगा के, और अपना पेट्रोल डाल के मुझे सिखाया 24 घंटे के अंदर, और उस दिन के बाद से मेरी पूरी दुनिया बदल गई। और शायद कुछ EMI मैंने स्किप भी कर दिया, तो उनका बैंक अकाउंट में डिफॉल्टर के तौर पर दिख रहा होगा काफ़ी बार मेमन कोऑपरेटिव बैंक में, तो उनका वो कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ रहा है। मतलब उनके बिल्कुल बराबर में अमित सर बैठे हैं, अमित मल्होत्रा जी, जब हम स्कूल स्टार्ट कर रहे थे एंड ही टोल्ड कि वो इवेंट मैनेजमेंट में काम करते हैं ABM एग्जीबिशन का, और वो टीवी लगा हुआ है, वो उनकी तरफ से आया हुआ अभी भी। मतलब मैं बोला था हम बोर्ड पे लिख देंगे नोटिस बोर्ड, तो इवेंट वाले बोलते नहीं नहीं खाली बंबू नहीं होना चाहिए, उसको हमको मास्क कर देना चाहिए। मतलब दे आर गुड एट यू नो हाइडिंग एवरीथिंग एंड ब्रिंगिंग फ्रंट एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी प्रेजेंटेड। तो ये लोग ने स्कूल के स्टार्टिंग एरा के अंदर उसको मीडिया में लेकर जाना, लोगों तक पहुँचाना, बताना, उस पर उन्होंने बहुत काम किया है। मतलब हुसैन सर का भी मैं बता रहा था, जब हम साथ में लगने लगे मुझे लगा कि अगर आपको बहुत जल्दी कहीं जाना है तो यू गो अलोन, डोंट वेट फॉर अदर्स। लेकिन अगर आपका जर्नी बड़ा लंबा है, बहुत दूर जाना है आपको, तो जैसे बेडाइंस होते थे, अरेबिक ट्रैवलर्स जो होते थे, वो रोड पे पूरा घर लेके जाते थे, उनको खाना बदोश बोलते हैं, कंधों पे अपने घर को लेके जाना। तो हमारा स्कूल का जर्नी ऐसा है, मुझे लगता है कि हर स्कूल का जो फाउंडर है उसकी एज का 5 times ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ होना चाहिए। मतलब आई एम ऑलरेडी 52, तो मेरे ख्याल से 5 times उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ होली मदर स्टैंड्स हियर टॉल विद लार्ज फॉर 250 years। तो आई एम वर्किंग विद सो मेनी पीपल ओवर देयर, और उन लोगों की मदद के बगैर हो नहीं सकता। इधर सेठ जी आए हैं हमारे बोलने पर, सामने बैठे हुए हैं। देखिए कई बार ना, अभी डिजिटल वर्ल्ड अभी आया है, लेकिन बुक्स प्रोवाइड कर रहे बगैर आप पढ़ा नहीं सकते हैं बच्चों को इंडियन कॉन्टेक्स के अंदर। तो सर बैठे हैं यहाँ पे सेठ पब्लिकेशन के मालिक हैं, और लगभग मेरे ख्याल से सर 300 स्कूल, कितने स्कूल को आप देते हैं? आप सोचिए, मतलब ये छोटी सी मालवनी में द एंटायर वर्ल्ड हैज डिसेंडेड हो गई है। 3000 स्कूलों में पूरा कोर्स मटेरियल प्रोवाइड करने वाले बंदे आपके सामने आके एकदम शांत बैठे थे। और सर कई बार लोगों को प्योर बिजनेस लगता है कि बिजनेस है, पैसा दे रहे, किताब ले रहे, नहीं है ऐसा बिल्कुल भी, बिल्कुल बिजनेस नहीं है। क्योंकि 2-2 साल 3-3 साल का पैसा उनका चढ़ा हुआ होता है हमारे ऊपर, और हम पेरेंट्स लोग क्योंकि नहीं दे पाते फीस उस किताबों का जो पैसा होता है, और ये हमें गुड इनफ मतलब उसमें कंसेशन देते हैं, उसका कुछ परसेंटेज हम पेरेंट्स लोग को पास ऑन कर देते हैं, और 1 साल का हमने इनसे बोल के लिया था टाइम, और हम इनसे 2-2 साल 3-3 साल पैसा बाकी होता है। पूरे लॉकडाउन पीरियड में भी वो खुद बेचारे कोरोना से हो रहे, उसमें कोमा वोमा में जाने की पोजिशन आ गई थी बेचारों की। लेकिन ये लोग का सपोर्ट नहीं रहेगा सर ना, तो इस तरह के एरिया में आप स्कूल बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज़ से सोजी आप आए यहाँ पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अखबार वाले हैं, हमारे एक दोस्त रिजवान भाई, उनके बेटे आकर बैठे हैं, चैनल वाले इधर खड़े हैं, ये सब लोग जो हैं, ये बहुत सारे लोग मिलकर मदद करते हैं तब ये स्कूल चल पाता है। फॉर्चुनेटली मेरे लिए ऐसा है कि मैं फेस हूँ, मैं वॉइस हूँ, तो पूरा क्रेडिट मुझे मिल जाता है। घर पे भी मेरी वाइफ, बच्चे, वो लोग भी बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं, आई हैव नॉट बीन एबल टू गिव देम एनी टाइम। और सबसे लास्ट जो हमारी टीचर्स है, बट नॉट द लीस्ट, कल हम सुबह 7 बजे आए थे सर, और कुछ टीचर्स लोग मेरे साथ में रात को 10:30 बजे गए हैं। पूरे दिन में हमने 4 बार चाय पी है सर, राइट, क्योंकि राम राज में दूध मिला था कृष्ण राज में, कि मोदी राज में चाय मिली है फूक फूक के, फिर तो चाय से आधे से ज़्यादा काम हो जाते हैं हमारे पूरे के पूरे। और 4 बार चाय और 2 बार समोसा पाओ, यही हम दे पाए, ऐसा नहीं कि और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं था हमारे पास। तो आप इमेजिन करो, कोई टीचर 7 बजे अगर आपके स्कूल में आई है, और वो वैसे से आई है जैसे रोजी है, शी इज कमिंग फ्रॉम वैसे ही, तो शी हैज़ टू गेट अप एट 4 o'clock एवरी डे, एंड बाय दैट टाइम शी रीचेज होम इज ऑलमोस्ट 10 o'clock 11 o'clock एवरी सिंगल डे। तो अभी आप सोचिए, इफ दिस काइंड ऑफ सपोर्ट इज देयर बिहाइंड यू, इफ सच ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज देयर, यू शुड नॉट एवर से कि योर स्कूल इज अंडर प्रिविलेज स्कूल। आई एम सॉरी टू से दैट, बट आई विल नेवर एवर कंसिडर माई स्कूल टू बी अंडर रिसोर्स और अंडर प्रिविलेज। नो चाइल्ड इज अंडर प्रिविलेज, आई विल से दैट एवरी चाइल्ड इज अंडर सर्व्ड, वी हैव नॉट बीन एबल टू सर्व अवर किड्स द वे वी वांट, एंड इन दैट रिगार्ड आई एम सो हैप्पी कि 7 months पहले संजय जी से बातचीत हो गई, ज़बरदस्ती मतलब जूम में भेज दिया मुझे स्माइल वालों ने, और उनका प्रेजेंटेशन, उनकी जो ह्यूमिलिटी था, उतना बेस्ट लगा मुझे, मुझे लगा इनसे बात करनी चाहिए। पूरे प्रोग्राम्स का जो हमारा स्ट्रगल था वो उनको बताया, जहाँ पे हम बैठे वो रूम हमने हैवी डिपॉजिट पे दे दिया था, टीचर्स लोग की सैलरी नहीं दे पा रहे थे, तो 5 lakh rupees मुझे उसको हैवी डिपॉजिट पे देना पड़ा था उसको, तो उसको वापस रिक्लेम करने के लिए सारे लोग जो बैठे हैं
उन्होंने मदद करवाया, टीचर्स की पेंडिंग सैलरी में हेल्प करवाया, और जो पूरे स्कूल में पेंटिंग हुआ हुआ है लोगों को लग रहा होगा रफीक सर ने करवाया, नहीं रफीक सर ने नहीं करवाया बिल्कुल, ये सारे लोग बैठे हैं, इन लोगों ने मिलकर वो सारे बच्चों का मतलब इतना अच्छे तरीके से हम रीओपन हम कभी भी नहीं कर पाए, उसने सर गवाही है इस बारे में, मतलब वो बता पाएंगे कि हमें 5-5 साल हो जाता है स्कूल का रीपेंटिंग करे हुए, अभी सारे क्लासरूम पेंटिंग है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एवरीथिंग इज देयर एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एवरीबडी। तो टीचर्स लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, डे इन डे आउट आप लोग मदद करते हैं, जो हमारे बच्चे हैं बहुत डिफिकल्ट बैकग्राउंड से वो लोग आते हैं और वो लोग भी अपने चैलेंजेस को फाइट कर रहे हैं, लेकिन हमको यही बोलना है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं, द वर्ड इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज कि आई एम पॉसिबल, यू विल बी एबल टू डू दैट, वी हैव सच वंडरफुल पीपल बिहाइंड द स्कूल। तो हम संजय जी के प्रोग्राम को साथ में लेकर और जितने सारे गेस्ट आए हुए हैं, आई एम वेरी बैड विद शॉर्ट टर्म मेमोरी, नाम शायद आगे पीछे हो जाएगा इसलिए मैं जेनेरिक होकर बोल रहा हूँ, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, स्टैंड बिहाइंड अस एंड द स्कूल लाइक दिस ओनली, और पूरे मोहल्ले का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि 17 साल रिसेस के टाइम पे स्कूल छूटने के टाइम पे हमारे बच्चे जितना हो सकता है उतना शोर रोड पे मचाते हैं, बहुत भागते हैं दौड़ते हैं, तो सारे बच्चों की तरफ से सारे पेरेंट्स की तरफ से हम सारे मोहल्ले वालों का शुक्रिया अदा करते हैं और उनको जो जो तकलीफें होती हैं उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। PFI के अलावा भी जो टीचर्स हमारे स्कूल में काम करते हैं ज़बरदस्त उनका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन है, सेक्रीफाइस है, और मैं लास्ट में बोलने वाला था पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब बाद में भाग जाएंगे और जो मैंने जमा करके रखा है क्या बोलना है क्या बोलना है क्या बोलना है वो रह जाएगा ऐसे, फिर बड़ी से इनडाइजेशन हो जाता है, किसी को अगर मैंने मिस कर दिया है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। और जो पेरेंट्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, 47 स्कूल्स हैं आपके एरिया के अंदर और 47 स्कूल में से आपने मेरे स्कूल को सेलेक्ट किया है वो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक बात ज़रूर प्रॉमिस करना चाहता हूँ आज कि मेरे पास कोई मैजिक वैंड नहीं है, मेरे पास कोई कुंजी नहीं है चमत्कार की, लेकिन इतना हमेशा मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपके बच्चों के लिए और आपके लिए मेरे दिल में जगह, मेरे कानों में सुनने की क्षमता और मेरे पास वक्त हमेशा रहने वाला है, इसकी कभी कमी नहीं होगी, आप जब चाहोगे आपके बच्चों के साथ में खड़ा रहूँगा। तो ऊपर वाला का भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी लाजवाब ज़िंदगी देने के लिए और इतने लाजवाब सितारे जो मेरे ज़मीन पर आके यहाँ उतरे हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय दालमिया जी, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड दैट आई कैरी फॉर यू इन माय हार्ट एंड ऑल सच वंडरफुल पीपल ओवर हियर, थैंक यू सो वेरी मच। और अभी जैसा उनका प्रोटोकॉल है कि सब विजिटर्स जाएंगे, चीफ गेस्ट जाएंगे, तो एक्सक्यूज मी आई विल फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट टू स्टैंड इन देयर एंड आई इन अ वे डिस्टर्ब यू ऑल्सो, आई विल सिट ओवर हियर विद प्रिंसिपल्स एंड अदर्स, यू कैन हैव अ लुक ओवर देयर एंड द शो इज ऑल योर्स, थैंक यू सो वेरी।